नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। चीन के साथ जारी गतिविधि के बीच भारत ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए करोड़ों के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। रूस भारत को 33 नए लड़ाकू विमान देगा। इसके साथ ही भारत में पुराने MiG-29 विमानों को अपग्रेड भी किया जाएगा। रूस के साथ भारत ने 38,900 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सौदे की जानकारी देते हुए बताया है कि चीन के साथ सीमा पर बढ़े तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने सैन्य बलों की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए 38,900 करोड़ रुपए की लागत से कुछ लड़ाकू विमानें, मिसाइल इत्यादि खरीदेगी। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार जून की अपेक्षा जुलाई में औसत बारिश में कमी आ गई है। हालांकि 3 से 5 जुलाई तक बढ़ने की उम्मीद भी है। इस दौरान पूरे राज्य में बारिश होने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के साथ कहीं कहीं वज्रपात होने का अलर्ट भी जारी है। उधर बारिश नहीं होने के कारण शहरों का तापमान में वृद्धि हो गई है। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। संक्रमण से बचाव को लेकर शिक्षक छात्र सभी होंगे प्रशिक्षित। सरकारी स्कूलों के खुलने के बाद बच्चों को संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार ने एक मानक संचालन प्रक्रिया का ई मॉड्यूलेट तैयार किया है। बुधवार को स्कूली शिक्षा एवं सक्षमता विभाग द्वारा आयोजित एक वेबिनार के दौरान विभाग के सचिव राहुल शर्मा, झारखंड परियोजना के निदेशक उमाशंकर सिंह आदि ने इसकी ऑनलाइन लॉन्चिंग की। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसे यूनिसेफ के सहयोग से तैयार किया है। बता दें कि वेबिनार को संबोधित करते हुए शिक्षा सचिव ने कहा कि स्कूलों को सैनिटाइज करने के अलावा बच्चों को संक्रमण से बचाव के लिए स्कूलों को भारी संख्या में थर्मल गन, मास्क व अन्य संसाधनों की जरूरत होगी। झारखंड में आए 99 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो पूर्वी सिंहभूम 45, कोडरमा 8, पलामू 8, चतरा 7, गिरडी 7, रामगढ़ 1, रांची 3, धनबाद 3, हजारीबाग 3, लातेहार 3, साहेबगंज 2, खूंटी 2, देवघर 2, गढ़वा 1, कोडा 1, सरायकेला 1, लोहरदगा 1, दुमका से 1 है। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 2622 है, जबकि 1988 लोग स्वस्थ हुए और 15 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 6,27,168 है, जबकि 3,79,902 लोग स्वस्थ हुए और 18,225 की मृत्यु हो गई। एक्टिव केस कहाँ कितना, बोकारो 11, चतरा 13, देवघर 10, धनबाद 65, दुमका 5, पूर्वी सिंहभूम 213, गढ़वा 11, गिरडी 17, गोड्डा 3, गुमला 36, हजारीबाग 29, जामताड़ा 0, खुट्टी 4, कोडरमा 34, लातेहार 4, लोहरदगा 14, पाकुड़ 3, पलामू 8, रामगढ़ 7, रांची 56, साहिबगंज 12, सरायकेला 46, सिमडेगा 8, पश्चिमी सिंहभूम 10 मरीज हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों को ही सरकारी नौकरी पर बोले रामेश्वर उरांव। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों को ही सरकारी नौकरी देने के बयान पर पूछे जाने पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि यह शिक्षा मंत्री का विचार हो सकता है, मैं इस पर संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही बोल सकता हूं। नौकरी देने को लेकर संवैधानिक व्यवस्था की गई है, इसका सिस्टम अलग है। चाहे कोई विद्यार्थी सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट में, अगर वो प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होता है तो उसे नौकरी देना है। पलामू में रात 10 से सुबह 5 तक 144 लागू। वैश्विक महामारी से बचाव को लेकर सरकार व प्रशासन सजगता के साथ काम कर रही है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में 1 जुलाई से अनलॉक 2 शुरू हो गया है। इस दौरान जिला प्रशासन ने लोगों की जीवन की रक्षा व बचाव के लिए रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पलामू जिला में धारा 144 लागू किया है। पलामू उपायुक्त डॉक्टर संतनु कुमार अग्रहरी ने बताया कि गृह मंत्रालय के निर्देश के आलोक में निषेधाज्ञा लागू की गई है। बैंक IBPS में 9638 पदों पर भर्ती। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने CRP RRB 9 के तहत ग्रुप ए ऑफिसर स्केल के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 31 जुलाई तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि कुल पद 9638 है, जिसमें ऑफिस असिस्टेंस के 4624, ऑफिसर स्केल 1 के 3800, ऑफिसर स्केल 2 के 1058 व ऑफिसर स्केल 3 के 156 पद सम्मिलित हैं। इच्छुक व पात्र उम्मीदवार 31 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। JPSC उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 6 जुलाई से। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2016 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच 6 से 9 जुलाई तक होगी। उप समाहर्ता पद के लिए अनुशंसित इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन परियोजना भवन सभागार में दूसरे तले पर होगा। बता दें कि 2 पालियों में इसकी व्यवस्था की गई है। पहली पाली 11 बजे से 1 बजे तक और वहीं दूसरी पाली 3 बजे से 5 बजे तक होगी।
रांची के नए एसएसपी बने सुरेंद्र झा। झारखंड सरकार ने 4 आईपीएस अधिकारी के ट्रांसफर पोस्टिंग की है। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा को राजधानी रांची का सीनियर सिटी एसपी बना दिया गया है। वह अनीश गुप्ता की जगह लेंगे। सुरेंद्र कुमार झा अभी गिरिडीह के एसपी के साथ साथ आईआरबी 9 के समादेष्टा का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना में यह नहीं बताया गया है कि रांची के एसएसपी अनीश गुप्ता को कहां भेजा गया। अधिसूचना के मुताबिक वर्ष 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी और धनबाद के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु को सुरेंद्र झा की जगह गिरिडीह का एसपी बनाया गया है। निशिकांत दुबे ने दुमका में कहा, गिर जाएगी हेमंत सरकार। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि श्रावणी मेला लगाने से इनकार करने वाले हेमंत की सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी। झारखंड हाई कोर्ट में लंबित मामले पर फैसला आने से पहले बाबा धाम में श्रावणी मेला पर अपना फैसला देकर हेमंत सोरेन ने कोर्ट की अवमानना की है। उन्होंने कहा कि बैद्यनाथ मंदिर पर मुख्यमंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, मामला अदालत की अवमानना का भी है। उन्होंने अच्छे अच्छे को गिरते मरते देखा है, कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाए। विवाह बंधन में बंधने के बाद दीपिका बोली, हमेशा झारखंड के लिए ही खेलना चाहूंगी। झारखंड की बेटी अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी अब कोलकाता के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज से विवाह बंधन में बंधने के बाद बंगाल की बहू बन गई है। ऐसे में यह सवाल भी उठने लगा है कि देश की नंबर वन एक महिला तीरंदाज नेशनल गेम्स में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी या नहीं। बुधवार को पति के साथ ससुराल जाने से पहले दीपिका ने इस प्रश्न का उत्तर सहजता से दिया। दीपिका ने कहा कि तीरंदाजी में उसकी पहचान झारखंड से बनी है, इसलिए वह हमेशा झारखंड के लिए ही खेलना चाहेगी। कमर्शियल माइनिंग पर कोयला मंत्री का जवाब, कोयले की कमर्शियल माइनिंग के मुद्दे पर हेमंत सोरेन के विरोध को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि संक्रमण की वजह से निवेशकों के नीलामी में सम्मिलित होने को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो शंका जताई है वह पूरी तरह निराधार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के वाणिज्य खनन के लिए नीलामी में रखे गए 4 कोयला ब्लॉक को बदलने के आग्रह पर विचार कर रहा है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने कहा कि केंद्र खदानों की नीलामी को लेकर राज्य के साथ कोई टकराव नहीं चाहता और सभी को एक साथ लेकर चलना चाहता है। जमीन रजिस्ट्री अब ऑनलाइन स्टाम्प शुल्क से। झारखंड स्टाम्प नियमावली 2020 का गठन कर लिया गया है। झारखंड मुद्रांक नियमावली 1954 में संशोधन के बाद इस नियमावली का गठन हुआ है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी भी कर दी है। इसके तहत अब राज्य में निबंधन के लिए मुद्रांक शुल्क का भुगतान ई ग्रास मॉड्यूल से हो सकेगा। योजना सह वित्त विभाग के ई ग्रास मॉड्यूल के तहत डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग अथवा ई चलान द्वारा मुद्रांक शुल्क का भुगतान हो सकेगा। आपको बता दें कि पहले मुद्रांक शुल्क का भुगतान स्टाम्प व ई स्टाम्प के माध्यम से होती थी। झारखंड में रिकवरी रेट 75% से ज़्यादा, मृत्यु दर राष्ट्रीय दर से आधी। झारखंड में अब तक 145,692 लोगों की सैंपलिंग की गई है। इसमें से पिछले 24 घंटे के अनुसार 2525 लोग संक्रमित पाए गए और 1931 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। झारखंड की रिकवरी रेट की बात करें तो 75% से भी अधिक है, जबकि मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत दर की आधी 1.78% है। आपको बता दें कि झारखंड के 8 जिलों में सिर्फ 15 मौत हुई है, जो रांची से 4, हजारीबाग से 3, गिरिडीह से 2, बोकारो 2, साहिबगंज 1, सिमडेगा 1, कोडरमा 1 और गुमला से 1 हैं। देवघर प्रभावित लोगों को सरकार देगी विशेष पैकेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने इस बार देवघर के श्रावणी मेला का आयोजन नहीं कराने का फैसला लिया है। उन्होंने यह अभी घोषणा कर दिया है कि देवघर और वासुकीनाथ के वैसे प्रभावित लोगों को सरकार विशेष पैकेज देगी जो रोजी रोजगार के लिए इस मेले पर आश्रित रहते हैं। निजी स्कूल नहीं मान रहे सरकार के निर्देश। राज्य के निजी स्कूल सरकार के निर्देशों का खुलेआम धज्जिया उड़ा रहे हैं। लॉकडाउन में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया गया है, पर स्कूल प्रबंधन मनमानी कर रहे हैं। बस फीस छोड़कर ट्यूशन फीस के साथ एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट फीस, कंप्यूटर फीस, स्मार्ट क्लास, योग फीस इत्यादि सहित कई अन्य शुल्क वसूल रहे हैं। केंद्र सरकार जनता के टैक्स से योजनाएं चलाती है कांग्रेस। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शमशेर आलम ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि दीपक प्रकाश का बयान हास्यास्पद है, अपना गाल खुद बजा रहे हैं। केंद्र द्वारा की गई मदद को भाजपा एवं नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई मदद बता रहे हैं। आलम ने गुरुवार को कहा कि उनकी बातों से ऐसा लग रहा है मानो भाजपा अपने कोष से गरीबों के बीच अनाज दे रही है। केंद्र सरकार जनता के टैक्स के पैसे से सारी योजनाएं चलाती है, उन्हें यह मालूम होनी चाहिए कि
सरकार ने किस तरह पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर जनता को लूटने का काम किया। हॉस्टल और सेमेस्टर फीस को लेकर अभियान। अखिल झारखंड छात्र संघ आईसू ने छात्र छात्राओं को लॉकडाउन अवधि का सेमेस्टर फी माफ करने, विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी हॉस्टल के छात्र छात्राओं को हॉस्टल शुल्क माफ करने सहित अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को हस्ताक्षर अभियान चलाया। इनमें निजी लॉज हॉस्टल के लॉकडाउन अवधि का मानसिक शुल्क 75% माफ करने एवं संचालकों के प्रताड़न से छात्र छात्राओं को बचाने सहित अन्य मांग सम्मिलित हैं। डॉक्टरों की सुरक्षा कानून झारखंड में जल्द होगा लागू। मंत्री स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाने पर विचार कर रही है। इस दिशा में कार्रवाई भी की जा रही है। राज्य सरकार चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए कृत संकल्प है। यदि चिकित्सकों पर हमला होगा तो उसे सरकार पर हमला समझा जाए। प्रवासी मजदूरों को कृषि यांत्रिक प्रशिक्षण से रोजगार। मंत्री झारखंड के कृषि मंत्री बादल ने कहा कि जिन तालाब योजनाओं को लेकर एग्रीमेंट हो चुका है तथा जिन पर काम शुरू नहीं हुआ है उन्हें रद्द करें तथा इन योजनाओं का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर इन पर काम प्रारंभ किया जा चुके। बादल ने कहा कि राज्य में भू संरक्षण निदेशक की ओर से कुल 911 योजनाओं का एग्रीमेंट किया जा चुका है। मंत्री ने कहा कि ऐसे किसानों को भी सूचीबद्ध करें जो अपने खेतों में सिंचाई के लिए काफी दूर से निजी संसाधन द्वारा पानी ला रहे हैं तथा जिनके पास मोटर पंप नहीं है वैसे किसानों को डीजल पंप या अन्य कृषि यांत्रिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। आठवीं कक्षा की विशेष परीक्षाएं के लिए 6 जुलाई से फॉर्म। झारखंड एकेडमिक काउंसिल आठवीं बोर्ड की विशेष परीक्षा के आयोजन की तैयारी कर रहा है। इसके लिए परीक्षा फॉर्म 6 जुलाई से भरा जाएगा। जैक ने सभी स्कूल के प्रधानाध्यापक से कहा है कि वे छात्र छात्राओं का परीक्षा आवेदन प्रपत्र 31 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करें। बालू ट्रक चालकों ने 150 गाड़ियों खड़ी कर किया प्रदर्शन। बालू ट्रक ऑनर एसोसिएशन के बैनर तले गुरुवार को ट्रक संचालकों ने गाड़ी खड़ी कर विरोध प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने विभाग द्वारा जारी आदेश सिर्फ ट्रैक्टर से ही बालू का उठाव होगा को वापस करने की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा कि इस आदेश से ट्रक और हाईवा मालिक के साथ ही हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। दुर्गा सोरेन चौक के पास करीब 150 से ज्यादा ट्रक एवं हाईवा मालिकों ने अपनी गाड़ियां खड़ी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। 6 माह के लिए चना व चावल की मांग उड़ाव। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रवासी फंसे हुए प्रवासियों गैर लाभुकों के लिए आगामी 6 महीने के लिए चावल और चना उपलब्ध कराई जाए। गिरिडीह के नीरज मुर्मू को मिला डायना अवार्ड। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेंस फाउंडेशन द्वारा संचालित गिरिडीह जिले के दुलियाक्रम बाल मित्र ग्राम के पूर्व बाल मजदूर नीरज मुर्मू को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी का बचपन बचाओ आंदोलन की उस पर नज़र पड़ी है और नीरज का जीवन बदल गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीरज को बधाई दी है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर शेयर करें। साथ ही साथ आप कमेंट में हमें अपना सुझाव अवश्य दें।